अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के समर गार्डन 60 फुटा रोड पर पटाखे बनाने की फैक्ट्री पिछले एक साल से चल रही थी। पटाखों पर NGT का प्रतिबंध है, बावजूद इसके फैक्ट्री का संचालन यहां किया जा रहा था। समझा जा सकता है कि इतने बड़े पैमाने पर पटाखे बनाने का धंधा संचालित होने से लिसाड़ी गेट थाना पुलिस अनभिज्ञ तो नहीं रही होगी। सोमवार को जिस तरह से वहां धमाका हुआ और मकान ध्वस्त हो गए, यह बताने के लिए काफ़ी है कि वहां बड़े पैमाने पर इस प्रतिबंधित कार्य को अंजाम दिया जा रहा था। अनधिकृत रूप से बने इन पटाखे गूंज दूर तक सुनाई दी तो पुलिस ने आज बड़े पैमाने पर पटाखे बनाने में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ व उपकरण बरामद कर लिए। विशेष बात यह रही कि यह सारा सामान विस्फोट से कुछ देर पहले ही मुस्कान धर्म कांटे पर तोड़ने के लिए लाया गया था। अगर इस गंधक व पोटास में भी आग लगी होती तो कुछ और ही भयावह तस्वीर सामने नजर आ रही होती। इस बारे में सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर अमरेश कुमार ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। कल लिसाड़ी थाना क्षेत्र में एक सिलेंडर फटने की सूचना मिली थी, जिसमें थाना क्षेत्र लोग जाँच की गई तो वहाँ पर बारूद भी मिला था। तब तक हमने पुलिस ने आसपास छानबीन की थी, उसमें ये 60 फुटा रोड पर एक धर्म कांटे के पीछे करीब 25-30 बोरे के लगभग होगा ये बारूद जो है छुपा करके रखा गया था। करीब 50 किलो करीब सल्फर होगा गंगा, तो उसको जो है BDDS टीम के साथ हम और CO साहब मौके पर पहुँच करके उसको डिफ्यूज कर लिए हैं। बाकी फर्दर कार्रवाई जो विधि प्रक्रिया के अंतर्गत इसको जो है डिस्पोजल की प्रक्रिया कार्रवाई की जाएगी, और इसके देखते हुए अन्य जो भी संदिग्ध या इस तरह की चीज़ें प्रतीत हो रही हैं छानबीन जारी है, और अगर कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाए। ये लगभग 2-3 लाख लगभग होगा है इस तरीके का, 2-3 लाख के आसपास। प्रथम दृष्टया तो ऐसे ही प्रतीत होता है कि वो पटाखे बनाने के लिए या इस तरीके के लाए, साथ में रैपर भी मिले हैं जो पटाखे बने जाते हैं। उधर मेरठ के नवनियुक्त SSP रोहित सजवाण ने कहा कि इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। थाना लिसाड़ी गेट के अंतर्गत कल 4 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आवासीय परिसर में धमाका हुआ है, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंची और अन्य लोगों की मदद से वहां पे जो लोग अंदर फंसे हुए थे, जो नीचे दब गए थे, उनको बाहर निकाला गया और ऐसे जो 8 लोग हैं उनको बचाया गया, जिसमें एक महिला है उसकी मृत्यु हो गई थी। और इसमें प्रारंभिक जो जाँच की गई फॉरेंसिक के द्वारा, ये पता चला कि वहाँ पर कुछ जो पटाखे बनाने की जो गतिविधियाँ थी, अवैध गतिविधियाँ थी, वो चल रही थी, और इसी वजह से इसमें धारा 304 IPC और धारा 3/4 विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और जो व्यक्ति नामजद है मुस्तकीम, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और सभी जो साक्ष्य हैं वो एकत्रित किए जा रहे हैं, और इसमें अगर कोई अन्य दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।